अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा, अगर दोस्तों लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा, तो अपने लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदल लें, क्योंकि जिन प्रयासों से हम प्रयास कर रहे थे वो प्रयास उसके लिए सार्थक सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, तो अपने प्रयास हम चेंज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम S.St में ही ज्योग्राफी पार्ट्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम लिखिए। तो नर्मदा और ताप्ती, ये तापी लिखा है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट, हिमालय के दो प्रमुख दर्रों के नाम लिखिए। तो हिमालय के दो प्रमुख दर्रे हैं थांगला और लिपुलेख। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दो नदियों के नाम, तो गंगा और गोदावरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार को लिखिए। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, तथा देशांतरी जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो भारत अपनी स्थिति, विशालता, प्राकृतिक एवं जलवायु विविधता, जैविक बहुलता आदि के कारण उपमहाद्वीप कहलाता है। क्यों, किसका कहलाता है? भारत की अपनी स्थिति और जो इसकी विशालता है, प्राकृतिक एवं जलवायु जो विविधता है, जैविक बहुलता आदि कारणों के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा किसे कहते हैं? जब नदियों में अवसाद की मात्रा अधिक हो जाती है तो नदियों का पानी विभिन्न शाखाओं में होकर बहने लगता है, जिससे निक्षेपण क्षेत्र यूनानी भाषा के वर्णाक्षर त्रिभुजाकार के आकार का हो जाता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जब नदियाँ उफान पे होती हैं और अपने साथ में मिट्टी कंकड़ पत्थर बहा के ले जाती हैं, और अंत में अपने मुहाने पर जब ये ले जाने में से असमर्थ हो जाती हैं, तो ये एक निक्षेपण कार्य अपना शुरू कर देती हैं। यानी जो लेकर आई होती हैं कंकड़ मिट्टी पत्थरों से, वहीं पे बिछाना शुरू कर देती हैं, इससे त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता जाता है, इसी को डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून से आप क्या समझते हैं? तो मानसून उन पवनों को कहते हैं जो वर्ष में 6 महीने ग्रीष्म ऋतु में सागरों से स्थल की ओर और शेष 6 महीने शीत ऋतु में स्थलखंड से सागरों की ओर चलती हैं, मानसून कहलाती हैं। नेक्स्ट, बंजर भूमि से आप क्या समझते हैं? जिस भूमि में फसल उगाना अत्यंत कठिन होता है उस भूमि को बंजर भूमि कहते हैं, यानी जो उपजाऊ नहीं होती बंजर भूमि कहलाती है। खादर और बांगर में अंतर देखिए, जिन बाड़ों में बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है वहाँ पुरातन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे बांगर कहा जाता है, जबकि जिन क्षेत्रों में नदियों के नवीन कांप मिट्टी का जमाव किया जाता है उसे खादर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं, तो जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं इस प्रकार है, जलोढ़ मिट्टी में गेहूं, गन्ना, चावल, तिलहन, तंबाकू तथा जूट आदि फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट, नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिक उर्वरा होती है, ये इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर चलाई गई है? तो ये कृष्णा नदी पर है और जिला है वो स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश, जिला है नालगोड़ा। उत्तरी भारत में बहने वाली दो बड़ी नदियां गंगा और यमुना, टिहरी बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है आपकी भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के कोई प्रत्यक्ष लाभ बताइए। तो ईंधन एवं इमारती लकड़ी की प्राप्ति, कागज, रबड़ तथा कत्था, बीड़ी दिया, सिलाई, लुगदी, खेल का सामान, फ्लाई पैकिंग आदि उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है। विभिन्न औषधियों की भी प्राप्ति वनों से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के परमाणु शक्ति केंद्रों के नाम लिखिए। तो भारत के प्रमुख परमाणु केंद्र हैं तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा कोटा राजस्थान, नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, कल्पक्कम तमिलनाडु। नेक्स्ट, ऊर्जा या शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? जिन पदार्थों से मनुष्य को ऊर्जा की प्राप्ति होती है उन्हें शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत बताइए। तो सूर्य और पवन गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन्हीं दो लौह उत्पादक राज्यों के नाम? तो गोवा और छत्तीसगढ़। भारत के किन्हीं दो अभ्रक उत्पादक राज्य? तो बिहार और झारखंड। नेक्स्ट, भारत के किन्हीं दो तांबा उत्पादक राज्य? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। किन्हीं दो धात्विक खनिजों के नाम? तो लौह अयस्क और तांबा अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जल प्रबंधन किसे कहते हैं, इसकी दो विशेषताएं हैं। तो जल प्रबंधन का अर्थ है पानी का संचयन करना, इसकी दो विशेषताएं हैं। जल प्रबंधन से सूखे के समय आवश्यकता अनुसार जल उपलब्ध हो जाता है, और जल प्रबंधन से जल की फिजूल खर्ची न करने की आदत विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या घनत्व से आशय प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या का घनत्व था वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के किन्हीं चार कुप्रभाव, यानी जनसंख्या वृद्धि के चार कुप्रभाव क्या हुआ है? तो निर्धनता में वृद्धि होती है, बेरोजगारी में वृद्धि, आजीविका के साधनों में कमी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि। नेक्स्ट, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? लिंगानुपात से आशय प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से है। भारत में हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, जो कि 877 है। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कोई दो उपाय, तो शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना और परिवार नियोजन अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि पर आधारित किन्हीं दो प्रमुख उद्योगों के नाम बताइए। तो कृषि पर आधारित दो प्रमुख उद्योग हैं चीनी उद्योग तथा वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट, भारत की दो व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए, गन्ना और तंबाकू। नेक्स्ट, भारत के चाय उत्पादन के दो राज्यों के नाम, बंगाल और असम। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं? इसके दो लाभ, तो ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा पशुधन के विकास हेतु चलाए गए कार्यक्रम और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से है। तो इसके दो लाभ हैं, पशुओं की नस्ल को सुधारना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। नेक्स्ट, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के चार प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए, तो अहमदाबाद, सोलापुर, कोयम्बटूर, कानपुर। नेक्स्ट, कृषि उत्पादों पर आधारित दो उद्योगों के नाम लिखिए, तो कृषि पर आधारित दो उद्योग हैं सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। नेक्स्ट, वनों पर आधारित दो उद्योगों का नाम उल्लेख कीजिए, तो कागज उद्योग और बीड़ी उद्योग। नेक्स्ट, भारत में कागज उद्योग के दो प्रमुख केंद्रों के नाम, तो टीटागढ़ जो है पश्चिम बंगाल, नेपानगर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित देशों के तीन चार प्रमुख लक्षण बताइए। तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विकास, आर्थिक विकास का उच्च स्तर, औद्योगिकरण में तीव्रता, प्रति व्यक्ति आय अधिक, ये हैं आपके विकसित देशों के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा पोषित कृषि से आप क्या समझते हैं? तो जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ शुष्क कृषि पद्धति को अपनाया जाता है। फसलों के लिए जब नमी का एकमात्र स्रोत वर्षा जल ही होता है तो इसे वर्षा पोषित कृषि कहा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो में कहीं कोई भी क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है एसएसटी में, तो आप हमें कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, और अगर और कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।